2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्या से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्या सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चलाया, उनको सर मैंने पढ़ाया पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गाँव में जश्न था और हम लोगों के गाँव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों का एक बहू जो है एसडीएम बनी, उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्या और मेरे ससुर राम बुरारी मौर्या का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम बुरारी मौर्या दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सर फोन करके कही है कि ये जान सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्या मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पकड़ लिया था, तो मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहां तक कि ज्योति मौर्या अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी राज अधिकारी जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि उनको बर्खास्त कर दीजिए। सर मैंने मुख्यमंत्री क्या किया सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर, मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। सर 2 बेटियां हैं मेरी सर, इसके साथ रहती है सर, अभी तो मेरे साथ रह रही थी तो अभी सर घर से भाग गया हूँ तो सर अली के साथ जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे ज्योति मौर्या उनका भाई सत्य। क्या चाहते सर? हमें चाहते हैं कि न्याय हो सर, मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ। उसे चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है, 13 साल से शादी क्यों गए हमारे सर, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है सर। वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर, सर जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को सर, उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला डीके मौर्या डीजी होंगे सर, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है। क्या नाम है आपका? सर आलोक कुमार मौर्या सर। सर वो सर जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर, वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध, उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कई भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, इसी तरह सही कर लिया जाए, हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है सर। ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिक मैरियट होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं सर। हमें धमकी सर अभी तो चार दिन पहले ज्योति मौर्या ने फोन पे कहा है कि जो सर अभी तो चार दिन पहले ज्योति मौर्या ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। देखिए आलोक श्री आलोक कुमार मौर्या के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा आपके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्या ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन जिस तरह से ज्योति मौर्या का प्रकरण आया है उसके बाद तमाम तरह के परिवार वाले भी दबाव बना रहे हैं कि आप कोचिंग ना करो, या अगर जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके परिवार वाले भी कह रहे हैं कि आप घर वापस आ जाओ, इसको लेकर आपको क्या लगता है और क्या आपकी निजी राय है इस पर? सर पहली बात तो जो ज्योति मौर्या है जो महिला एसडीएम बनी है, सर एसडीएम बनने में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस पढ़ाई की होती है, जो कि जो करता है वही जानता है, जो करता है वही जानता है। और सर जो पैसा दे रहा है उसको तो बस पैसा देने से मतलब है, पढ़ाई आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना कर रहे हो, तो सर इसमें ज़्यादा रोल है। अब हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो ये नहीं कह सकते कि वो हमारी वजह से एसडीएम बन गई है
या हमारे पैसे देने की वजह से बन गई है। उसकी अपनी मेहनत भी इन्वॉल्व रहती है उसमें। तो सर ये कहना गलत है कि उसके उसके जो हस्बैंड कह रहे हैं, ये कहना गलत है कि हमारे पैसे देने से वो इतने ऊंचे पद पर मतलब जा पहुंची है। तो सर ऐसा क्लेम लगाना ये गलत बात है, और सोशल मीडिया पे अपलोड करना उसका ये वीडियो जो गंदी गंदी बातें वो बोल रहे हैं सर, ये बहुत गलत बात है। क्या असर पड़ रहा है इसका जो लोग सर इसका असर और भी सारी जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन पर भी पड़ रहा है, उनके जो हस्बैंड है सर उन पर भी वो मतलब दबाव बनाएंगे, प्रेशराइज करेंगे कि नहीं अब मतलब जो अग्रसर है महिलाएं पढ़ने में, तो उनको भी अब सर इस इनकी वजह से शायद ना भेजें इस मतलब पढ़ने के लिए की बातें आदि दबाव दे रहे। यस ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि ज्योति मौर्य के प्रकरण के बाद किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं, किस तरह का दबाव है आप लोगों पर, आप लोग भी तैयारी कर रही हैं? यस सर, दबाव जहाँ तक कि घर वाले मतलब ये कहते हैं कि तुम लोग भी बदल सकते हो, मतलब पढ़ाई अच्छे से करो, मतलब ज्योति मौर्य की तरह मतलब एग्जाम्पल देते हैं और दबाव बनाते हैं। यस सर बनाते हैं थोड़ा बहुत। तो क्या लगता है आपको गलत कौन है इसमें? गलत किसी को नहीं कहा सकता जब तक दोनों पक्ष की ना सुनी जाए तो। और इसकी चर्चा होती है? हाँ होती है। घर के लोग गए भी हैं छोड़ के, कुछ लड़कियाँ गई हैं छोड़ के क्या कोचिंग वगैरह? नहीं छोड़ी नहीं है, पर घर वाले तो मतलब कहते हैं एक बार जरूर दबाव बनाते हैं। यस सर कि छोड़ देंगे। हाँ कि कोचिंग छोड़ के आ जाओ, क्या कहते हैं? हाँ कोचिंग छोड़ के आ जाओ, पढ़ाई अच्छे से करो, या मतलब कहते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, मतलब धोखा मत करना घर। मुद्दा इन दिनों हाईलाइटेड है काफी, क्या मानती हैं आपकी इसमें क्या कुछ सही है, और चूंकि आप लोग भी तैयारी कर रही हैं तो उसको लेकर घर परिवार या दोस्तों से और किस तरह की बातें सामने आ रही हैं? सर ये मुद्दा जो है इस विषय में मेरी जो अपनी समझ है जहाँ तक की, मुझे लगता है कि ये एक भ्रम भी हो सकता है या फिर वास्तविकता भी हो सकती है। अब क्या बात है पर्सनल उनका वही समझ सकते हैं। बाकी जहाँ तक कि उनकी अगर मैं उन महिला की बात करूँ तो वो सिलेक्शन के 8 साल तक उनके साथ भी रही हैं, तो वो अचानक से ऐसा मुद्दा सामने ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस मुद्दे पे विचार करना चाहिए, और अचानक से किसी के ऊपर इतना बड़ा आरोप लगाना कहीं ना कहीं गलती भी है। अच्छा इनके बीच अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं बन पा रही ऐसा लग रहा है? हाँ कह सकते हैं उनके जो जॉब की लेवल है उसमें गैप होने की वजह से हो सकता है पर्सनल मनमुटाव होने लगा हो। मान लीजिए किसी कामवश वो देर से आ रही हैं तो उनको लगता है हाँ एक्स्ट्रा कहीं काम मैटर है, तो अपनी अपनी समझ होती है इस वजह से। आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं इसको लेकर, क्या लगता है कि कोई कुछ कहता है ऐसी बात? सर देखिए समाज की मानसिकता सब जानते हैं कैसी है, बाकी आप पॉजिटिव रहिए, बाकी सब सही रहेगा।